अच्छी तरह सुनिए, धमाका है भाई, सच में ये धमाका है। इस एंकर ने महाराज को भयंकर तरीके से धो डाला है। एकदम ताजा डिबेट हम आपको दिखाने वाले हैं। मेरा दावा है आपने किसी एंकर का ऐसा बेबाक रूप आज तक नहीं देखा होगा। वीडियो पूरा देखना आखिर में आपके लिए खास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पिक्चर चालू करते हैं। स्वामी चक्रपाणी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? राम राज्य का, हिंदू राज्य का मतलब, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य है, तो क्या अभी राम राज्य नहीं है? क्या अभी सब धर्मों को मैं सरसता नहीं है? क्या इस समय जो है वो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है? इस तरह के दावे को कैसे समझा जाए? शोभना जी, बिल्कुल ठीक कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। राम राज्य का मतलब हिंदू राष्ट्र एक दूसरे के परिवाची है। हमारे हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर विनायक दामोदर सावरकर से भी जब ये पूछा गया कि क्या आपका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ देंगे, क्या करेंगे, तो वीर सावरकर जी ने उत्तर दिया था कि नहीं, हमारा मतलब ये नहीं कि हम मुसलमान या किसी को के साथ अन्याय करेंगे, बल्कि हमारा ये है कि सबसे समान कानून लागू होगा, सबको एक साथ अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण जिस प्रकार से एक मजहबी तुष्टिकरण हो रहा है, ये नहीं होने पाएगा और सबके साथ न्याय होगा। स्वामी चक्रपाणी, संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। संविधान क्या, संविधान क्या कहता है? संविधान क्या कहता है? नहीं, संविधान क्या कहता है वो तो बात की बात है, लेकिन आजादी के बाद नेताओं ने क्या किया, देश तो संविधान से चलेगा ना। संविधान क्या कहता है ये तो मानना पड़ेगा ना। हिंदू राष्ट्र नहीं है हम, ये नहीं कहता हमारा संविधान। बीके त्यागी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। तर्क शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? शोभना जी, जब पाकिस्तान बन गया मजहब के आधार पे, तो उन्होंने चुना ना इस्लामिक नेशन होना, हमने नहीं चुना। हिंदुस्तान ने हिंदू राष्ट्र होना नहीं चुना, हमने सेक्युलर होना चुना। देश जो है ना वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, नियमों से चलेगा। जब आप इस तरीके का कोई बयान देते हैं तो आपको ये एहसास है कि आप कानून तोड़ते हैं? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम सेक्युलर हैं, हमने हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चुना। अगर ऐसे ही कोई मुसलमान धर्म गुरु आके कहे कि ये मुसलमान राष्ट्र बनना चाहिए तो क्या आपको स्वीकार होगा? जब बात संवैधानिक तरीके सुन लीजिए, बोल लेते जी, संवैधानिक तरीके से ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, संसद से बनेगा हिंदू राष्ट्र। कोई ऐसा नहीं कि मनमानी कुछ नहीं, तालिबानीकरण नहीं होगा कि जबरदस्ती शस्त्र के बल पे कोई बात कर रहा है। बात वही होगा लोकतांत्रिक तरीके से, संसद से पास हो करके विधि मान्य तरीके से ये देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से अनेक समस्याएं। आप लोग सिर्फ माहौल खराब करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। संविधान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जितने सपने देखने हैं आप देखिए, सिर्फ ऐसी बातों से माहौल खराब होता है देश का, और कुछ भी नहीं।